देखा था। तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोट जेएस कंप्लीट कर दिया था अपना, और आज के सेशन की अगर अपन बात करें तो आज के सेशन में हमें स्टार्ट करना है अपना एक्सप्रेस, राइट। या अगर अपन बात करें कि यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस होता क्या है, वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपन हेडिंग मेंशन करते हैं, हमें आज जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है यहाँ पर क्या, एक्सप्रेस जेएस, राइट। अब अगर अपन बात करें कि अभी एक्सप्रेस जेएस बेसिकली होता क्या है ना, या एक्सप्रेस जेएस को अपन यूज क्यों करेंगे, है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज की नोड जेएस के अंदर भी तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे, तो फिर उस केस में अब यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस जेएस की क्यों रिक्वायरमेंट लग रही है ना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस की, तो एक्सप्रेस जेएस के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि ये क्या है, आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब फ्रेमवर्क की अगर अपन बात करें कि फ्रेमवर्क मतलब बेसिकली करता क्या है या फ्रेमवर्क होता क्या है, तो फ्रेमवर्क मतलब होता है रेडीमेड आर्किटेक्चर, विच इज सिंपली, है ना, डिजाइन फॉर सिंप्लीफाइंग दी वर्क ऑफ डेवलपर एंड डिजाइनर, है ना। डेवलपर और डिजाइनर के टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर फ्रेमवर्क एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो हियर एक्सप्रेस जेएस इज सिंपली अ फ्रेमवर्क, राइट। अब अगर अपन बात करें कि जैसे कि आपने नोड जेएस का कंसेप्ट देखा था, नोड जेएस में आपने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर पढ़े थे, लाइक आप ऐसा बोल सकते हैं कि नोड जेएस के अंदर आपने प्रोमाइसेस, कॉल बैक, टाइमर फंक्शन, प्रोटोटाइप, है ना, कॉल बैक, ये सारी चीजें आपने देखी थी। उसमें मॉड्यूल्स आपने देखे थे, कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल, है ना, थर्ड पार्टी मॉड्यूल आपने देखा था। फिर आपने इवेंट्स का कंसेप्ट देखा था, आपने स्ट्रीम्स का कंसेप्ट देखा था, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स आपने देखी थी, एफएस मॉड्यूल आपने देखा था, सिंक्रोनस असिंक्रोनस का कंसेप्ट देखा था, है ना, एचटीटीपी का कंसेप्ट आपने उसमें देखा था, एचटीटीपी के बाद में स्टैटिक फाइल को कैसे सर्व करते हैं आपने वो देखा था, माईएसक्यूएल का कंसेप्ट देखा था, कनेक्टिविटी देखी थी, क्रड ऑपरेशन आपने देखे थे, ऐसे बहुत सारे फंक्शनलिटीज आपने वहां पर देखी थी, राइट। वहीं पर आपने ये देखा था कि आप राउटिंग का कंसेप्ट बोले तो कैसे क्या मैनेज करोगे, है ना, कैसे एक्सप्लिसिटली आप मेथड लिखोगे, कैसे एक्सप्लिसिटली आप राउट को मैच करवाओगे, कैसे एक्सप्लिसिटली अगर यूजर से वैल्यू गेट करना है तो आप कैसे क्या गेट करोगे, वो सारी चीजें आपने वहां पर अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस करी थी। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें तो बहुत सारे लिमिटेशंस थे ऐसे नोड जेएस के अंदर जो कि एक्सप्रेस जेएस ने उसको ओवरकम किया है ना। और वो सारे ओवरकम वाले जो लिमिटेशंस थे वो मैंडेटरी थे आपकी एप्लीकेशन को एक रोबस्ट और स्ट्रांग और प्रॉपर बनाने के लिए, राइट। तो अब अगर अपन बात करें कि अभी एक्सप्रेस जेएस है क्या, तो इसके लिए अपन चलते हैं, इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले अगर अपन आ जाते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस के इंट्रोडक्शन पे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे कर रखे हुए हैं, है ना, हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स को डिस्कस करना है। पहले ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर तो उसके बाद में अपन आकर इसके एग्जाम्पल्स को फ्रेम कर देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस, अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक्सप्रेस जेएस बेसिकली होता क्या है ना, तो व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर, तो आप ये सिंपली जो डेफिनेशन में भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको, इस तरीके से प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्रेस जेएस की डेफिनेशन को डिफाइन करना रहेगा, राइट। तो अगर अपन बात करें क्या देखे रखा हुआ है, तो सबसे पहले पॉइंट में आप बोलेंगे एक्सप्रेस जेएस इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है, तो वेब एप्लीकेशन मतलब आप सभी को क्लियर है, एप्लीकेशन विच वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, है ना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही एप्लीकेशन काम करती है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ऐसा बोल सकते हो क्लाइंट की साइड से क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट हो जाती है सर्वर पर, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्स क्रिएट करके यहाँ पे क्लाइंट को देने का काम करता है, राइट। वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि एप्लीकेशन विच रन ऑन द ब्राउजर एंड हुज एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस ऑन द सर्वर इज नोन एज वेब एप्लीकेशन, है ना। वेब एप्लीकेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायनेमिक वेबसाइट्स, है ना, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था, है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टार्ट किया था वेब एप्लीकेशन को पढ़ने के बारे में और डिजाइनिंग के केस में, राइट। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेस जेएस इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस, किसके ऊपर बना हुआ है ये आपका, नोड जेएस के ऊपर बना हुआ है। एक्सप्रेस इज एन एप्लीकेशन लेवल फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस, है ना, एक्सप्रेस क्या है आपका, एप्लीकेशन लेवल फ्रेमवर्क है किसका, आपके नोड जेएस का, यूज टू जनरेट इफिशियंट वेब एप्लीकेशन वेब सर्विसेज एंड टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ नोड जेएस इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था नोड जेएस के अंदर वेरियस लिमिटेशन थे, ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए एक्सप्रेस जेएस जो कि नोड जेएस का फ्रेमवर्क है वो एग्जिस्टेंस में आया, जो कि सिंपली आपका एप्लीकेशन लेवल फ्रेमवर्क कंसिडर होता है, ठीक है। और ये किसके ऊपर बना है, दैट इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस, नोड जेएस के ऊपर बना है। एक्सप्रेस जेएस एड्स फंक्शनलिटी सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी टू एन एप्लीकेशन विद अ ह्यूज रेंज ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल ऑन एनपीएम दैट यू कैन डायरेक्टली प्लग इनटू एक्सप्रेस एज पर रिक्वायरमेंट। क्या लेके रखा हुआ है कि एक्सप्रेस जेएस एड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एन एप्लीकेशन, जो एक्सप्रेस जेएस होता है वो ऐड करता है, क्या ऐड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, किसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करता है, आपकी एप्लीकेशन में,
कैसे विद अ ह्यूज रेंज ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल ऑन एनपीएम, एनपीएम के ऊपर ह्यूज रेंज ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल है दैट यू कैन डायरेक्टली प्लग इन टू एक्सप्रेस एज पर रिक्वायरमेंट। आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, उनको प्लग कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, रिक्वायर कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो, राइट। इट वॉज डेवलप्ड बाय टी जे होलो वे चुक एंड वॉज रिलीज इन द मार्केट ऑन 22nd of May 2010। ठीक है, 2010 में यहाँ पर 22nd ऑफ मे को ये मार्केट में एग्जिस्टेंस में आया। फॉर्मली इट वॉज मैनेज बाय आई बी एम बट करंटली इट इज प्लेस्ड अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ द नोड जेएस फाउंडेशन इनक्यूबेटर्स, है ना, इनके अंडर में यहाँ पर करंटली ये मैनेजेबल है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको जावा के बारे में पता होगा तो इनिशियली जावा को स्टार्ट किया था जो इंजीनियर्स ने, वो थे सन माइक्रो सिस्टम के, लेकिन उसके बाद में ओरेकल ने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया था। सिमिलरली यहाँ पर भी इनिशियली ये क्या था, ये मैनेज होता था, है ना, आई बी एम के थ्रू, लेकिन बाद में ये नोड जेएस फाउंडेशन इनक्यूबेटर्स के अंडर में आ गया है ना। उनकी कम्युनिटी बहुत लार्ज, ह्यूज अमाउंट ऑफ, ह्यूज नंबर ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स है जो कि ये सारी चीजों को देखते हैं, राइट। एक्सप्रेस इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द बैकएंड पार्ट इन द मीन और मर्न स्टैक। अगर अपन बात करें यहाँ पर एक्सप्रेस क्या है या क्या काम करता है, जैसा कि आपने देखा था कि कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज होती है, फ्रंट एंड में लगने वाले टूल्स, या ऐसा बोल सकते हो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे अगर आपको जाना है, फ्रंट एंड डिजाइनिंग पर अगर आपको जाना है तो उस केस में HTML CSS की अपन बात करते हैं। बैकएंड के केस में आप अगर डेटाबेस पे जाते हैं तो MySQL, MongoDB, PostgreSQL उस पे जाते हैं। लेकिन अगर सर्वर साइड की अगर अपन बात करें तो उसमें एक्सप्रेस भी आपके सर्वर साइड पर ही काम करता है। तो आप ऐसा बोलेंगे एक्सप्रेस इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द बैकएंड पार्ट इन द मीन और मर्न स्टैक, राइट। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पर आप रिएक्ट पढ़ेंगे और मीन में क्या होता है, एंगुलर आता है। Mean या फिर Merlin stack is an open source JavaScript software stack that is heavily used for building dynamic websites and web applications in the market. Here Mean stands for MongoDB, Express.js, Angular and Node.js. Clear है यहाँ तक? Express is dependency that is module. जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर कि Express को आप कैसे use करोगे, as a dependency के तौर पे use करोगे या फिर as a module के तौर पे use कर सकते हो, क्योंकि इसको आपको करना क्या पड़ेगा, use करने के पहले require करना पड़ेगा, right? As we know, Node is JavaScript runtime environment and Express is a web application framework. We can directly render HTML view in Express but not in Node. तो आप क्या बोल सकते हैं? As we know, Node.js या Node is a JavaScript runtime environment and Express is a web application framework. Express क्या है आपका? Web application framework है. We can directly render HTML view in the Express but not in Node. Express के अंदर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे directly, है ना? आप HTML view को render करवा सकते हो, दिखा सकते हो, है ना? लेकिन ऐसा अपन Node में नहीं कर सकते थे। Node के केस में आप क्या करते थे? Node के केस में आप simply file को load करते थे, है ना? जैसे आपने देखा होगा कि FS module आप use कर रहे थे, streams का आप use कर रहे थे, है ना? तो उसमें आपने करा क्या था? वो file FS file system के केस में read file synchronous, है ना? उसमें आप क्या करते थे? File को read करते थे और वो file आपकी HTML होती थी। और जैसे आप उसको रीड करते थे तो वो आउटपुट स्क्रीन पर वैसा आउटपुट दिखाने का क्या करती थी, आपको काम करती थी। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये तो क्या देकर रखे हुए, आपको कुछ पॉइंट्स देकर रखे हुए जो कि आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर आपको क्या देकर रखा हुआ है, ड्रॉबैक्स ऑफ नोड जेएस, है ना? अगर अपन बात करें यहाँ पर कि व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न एक्सप्रेस, है ना, still we have Node.js, so we can simply say that there are some of the drawbacks in Node.js or there are some limitations in Node.js, you know, and simply for overcoming that limitations or drawbacks we are moving towards the Express.js, right? So ab agar apan baat kare, sabse pehle kya dekh rakha hua hai yahan pe, to manual routing checking, you know, manual routing checking, you know. Ab yahan par aap kya bolenge ki manual routing चेकिंग मतलब क्या? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब अपन राउट्स का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अपन जब HTTP मॉड्यूल पर आए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर राउट में होम है तो अपन होम पेज को रेंडर करवाएंगे, अबाउट है तो अबाउट, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट। तो उस केस में आपको एक्सप्लिसिटली करना क्या पड़ रहा था, वहाँ पे request.url से ये चेक करना पड़ रहा था कि यहाँ पे url में कौन सा राउट आया है। अगर वो लॉगिन है तो लॉगिन वाले पेज पर जाएंगे, है ना, होम है, अबाउट है तो उस पेज पर जाएंगे। तो आप सबसे पहले लिमिटेशन के तौर पे क्या बोलेंगे, मैनुअल राउटिंग चेकिंग, कि इफ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इक्वल्स टू
है ना, फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन है तो फिर आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है तो ये मैन्युअली आपको राउट चेक करना पड़ रहे हैं, विच इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ नोड जेएस। क्लियर है? फिर मैनुअल मेथड चेकिंग, जैसे अगर अपन बात करें तो हमने देखा था वहां पर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू इक्वल्स अपन पोस्ट लिख रहे थे, फिर पुट लिख रहे थे, फिर गेट लिख रहे थे, फिर डिलीट लिख रहे थे, है ना। तो सिमिलरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी इस केस में अगर हम बात करें एक्सप्रेस की, तो एक्सप्रेस ने इस लिमिटेशन को भी ओवरकम किया है कि यहाँ पर आपको मैनुअल मेथड को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, जस्ट लाइक नोड जेएस, है ना। तो ये भी एक लिमिटेशन था नोड जेएस का जिसको एक्सप्रेस ने ओवरकम किया है। प्रॉब्लम इन स्टैटिक फाइल राउटिंग लाइक स्टाइल डॉट सी एस एस इमेजेस नीड टू राइट कोड एक्सप्लिसिटली फॉर रिक्वेस्ट, है ना। प्रॉब्लम इन स्टैटिक फाइल राउटिंग, जैसा कि आपने देखा था कि मैंने आपको स्टैटिक फाइल को सर्व करना बताया था नोड जेएस में, जिसके लिए आपको लिखना क्या पड़ रहा था वहां पर, आपने लिखा था सबसे पहले तो रिक्वेस्टेड यूआरएल, फिर उसके अंदर यूआरएल डॉट पार्स करके रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल लिखा था आपने, फिर डॉट पाथ नेम आपको करना पड़ रहा था वहां पर, फिर पाथ नेम से आपने वहां पे चेक किया था, है ना, और उसमें भी आपको वहां पे एक मेथड का यूज करना पड़ रहा था डॉट मैच करके, और वो मैच के अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर बैकवर्ड स्लैश डॉट सी एस एस डॉलर लगाया था, आपने ये चेक किया था कि अगर हाँ यहाँ पे ये डॉट सी एस एस वाली फाइल की अगर रिक्वेस्ट आई है तो फिर अंदर जाके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, है ना, फिर स्टेटस लिखा था आपने, फिर लिखा था कंटेंट टाइप, फिर वहाँ पे लिखा था आपने इमेज और इमेज का एक्सटेंशन, या फिर सी एस एस फाइल के लिए आपने टेक्स्ट सी एस एस लिखा था, और उसके बाद में फिर आपने क्रिएट रीड स्ट्रीम, है ना, से आपने उसको रीड किया था, और फिर उसके बाद में आपने क्या करा था उस डेटा को पाइप किया था आपके रिस्पॉन्स में, तो इतना एक्सप्लिसिटली वहां पर आपको मैनेज करना पड़ रहा था, है ना। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में क्या देख रखा है, नो व्यू रेंडरिंग सपोर्ट, हियर वी डायरेक्टली कैन नॉट रेंडर व्यू, फर्स्ट वी एड इट इन अ रिस्पॉन्स देन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट, है ना। नो व्यू रेंडरिंग सपोर्ट मतलब यहाँ पर रेंडरिंग का, व्यू रेंडरिंग का कोई सपोर्ट नहीं था, हमको फर्स्टली क्या करना पड़ रहा था, हियर वी डायरेक्टली कैन नॉट रेंडर व्यू, फर्स्ट वी एड इट इन अ रिस्पॉन्स, मतलब हमको क्या करना पड़ रहा था, हमको रिस्पॉन्स में ऐड करना पड़ रहा था। जैसे आपको बोला कि अगर होम डॉट एच टी एम एल को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, रीड फाइल सिंक्रोनस या रीड फाइल से सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड को कॉल करके आप उधर से फाइल के डेटा को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, है ना, और उसके अंदर फिर आप क्या करते थे, वहाँ पर आपके डेटा को रखते थे, और फिर वो रिस्पॉन्स में डेटा को रखने के बाद में फिर आप भेजते थे। यहाँ पर ऐसा रेंडरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, आप बस डेटा को रीड कर रहे थे, फर्क इतना था कि वो जो डेटा को रीड कर रहे थे वो फाइल आपकी एचटीएमएल थी, और उस पे जो लिखा हुआ था वो एज इट इज वहां पर आप डिस्प्ले करवा रहे थे बाय सिंपली पुटिंग रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड 200 स्टेटस कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल की हेल्प से, ठीक है। फिर नो टेम्पलेट इंजिन सपोर्ट, है ना, यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट इंजिन सपोर्ट नहीं था, ठीक है। अब टेम्पलेट इंजिन सपोर्ट क्या होता है, तो टेम्पलेट मतलब आप बोल सकते हो एक रेडीमेड आर्किटेक्चर होता है बना बनाया, जैसे आपने इस टेम्पलेट को अगर थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में समझा हो या सुना हो या देखा हो, तो जब हमने एचटीएमएल पढ़ा था, हमने बूटस्ट्रैप पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ऐसे तो आप वेब पेज खुद से डिजाइन करते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर इनबिल्ट या बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसको आपको कस्टमाइज करना पड़ता है, क्लियर है। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो जावास्क्रिप्ट के केस में हमने एक टेम्पलेट को इंटीग्रेट किया था, कस्टमाइज किया था और अपनी फंक्शनलिटी को ऐड ऑन किया था, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर वो टेम्पलेट इंजन की जो बात कर रहे हैं उसमें अलग अलग होता है, जैसे पग होता है, जेड होता है, है ना, ईजेएस होता है, तो ऐसे अलग अलग आपके एक्सप्रेस के अंदर क्या होते हैं, टेम्पलेट इंजन अवेलेबल होते हैं जो कि नोड जेएस के अंदर नहीं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा कोड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू नो डिफॉल्ट आर्किटेक्चर, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा होती है ना आपके नोड में, ड्यू टू नो डिफॉल्ट आर्किटेक्चर पैचिंग डेटा एंड कनेक्टिविटी ऑन द सेम पेज, है ना, मतलब यहाँ पर आपके पास में कोई भी ऐसा डिफॉल्ट आर्किटेक्चर नहीं होता है ना। डिफॉल्ट आर्किटेक्चर मतलब ऐसा, जैसे आर्किटेक्चर में अपन बात करते हैं ना, एमवीसी आर्किटेक्चर होता है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल अलग हो जाएगा, व्यू अलग हो जाएगा आपका, कंट्रोलर अलग हो जाएगा, है ना, तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी उसमें नहीं थी, सब कुछ जो भी अपन करते थे वो सिंपली क्या करते थे, एक ही पेज पर सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके टास्क परफॉर्म कर लेते थे, राइट। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि टू मैनेज रिस्पॉन्स हेडर फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा इन रिस्पॉन्स डेटा विल ऑलवेज बी सेंड, है ना, मतलब आपको क्या करना पड़ता था, टू मैनेज रिस्पॉन्स हेडर फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा, हर टाइप की डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ता था यहाँ पर, रिस्पॉन्स हेडर को मैनेज करना पड़ता था, कैसे, अगर टेक्स्ट आ रहा है तो वो राइट हेड में आपको टेक्स्ट एचटीएमएल लिखना पड़ता था,
इमेज आ रही है तो उसके अंदर आपको इमेज इमेज का एक्सटेंशन लिखना पड़ता था राइट हेड के अंदर। सीएसएस फाइल आ रही है तो टेक्स्ट सीएसएस लिखना पड़ता था राइट हेड के अंदर। तो वो सारी चीजों का आपको क्या करना पड़ता था, एक्सप्लिसिटली मैनेज करना पड़ता। क्लियर है क्या? फिर अगर हम बात करें उसके अलावा, इन रिस्पॉन्स डेटा विल ऑलवेज बी सेंड, और आपको रिस्पॉन्स में क्या करना पड़ता था, डेटा को हमेशा भेजना पड़ता था। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये कुछ लिमिटेशंस थे, है ना, जो कि यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस ने नोड जेएस के ओवरकम किए हैं। तो इसमें एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कौन कौन से लिमिटेशन थे। ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है कि ये बेसिकली पूछा ही जाता है कि व्हाट इफ वी हैव नोड जेएस देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैकएंड के लिए जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल रहेगी नोड जेएस डेवलपर, कोई आपको एक्सप्रेस जेएस डेवलपर नहीं बोलेगा, है ना, आपको नोड जेएस डेवलपर कहा जाएगा। तो इंटरव्यूअर का ये क्वेश्चन होगा कि जब आपको नोड जेएस डेवलपर कहा जा रहा है ना, तो फिर आप एक्सप्रेस को क्यों यूज करते हो या एक्सप्रेस से अपनी फंक्शनलिटी को क्यों इम्प्लीमेंट करते हो। तो आपको सिंपली ये आंसर करना है कि आपकी डेजिग्नेशन अगर नोड जेएस की है ना, एज ए डेवलपर की है, तो नोड जेएस आपका बेस है और उसके ऊपर उसकी जो फ्रेमवर्क्स है ना, तो वो फ्रेमवर्क्स को यूज करके आप नोड जेएस की फंक्शनलिटी को क्या करते हो और इनहेंस करते हो। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर अपन बात करें यहाँ पे, है ना, अगर अपन बात करें यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो टेक्नोलॉजी है वो जावा है, राइट, है ना, तो आपकी डेजिग्नेशन ऐसे जावा डेवलपर होगी, है ना, रेदर देन हाइबरनेट डेवलपर, स्प्रिंग बूट डेवलपर, स्प्रिंग डेवलपर, ऐसा नहीं है ना। जावा बोले तो बेसिक कोर जावा, उसके बाद में एडवांस जावा आता है, फिर अलग अलग फ्रेमवर्क आते हैं। तो आपके पास में जो अलग अलग फ्रेमवर्क आते हैं, आप काम जरूर एज ए जावा डेवलपर अगर आप रहते हो तो आपको काम जरूर हाइबरनेट स्प्रिंग स्प्रिंग बूट पर करना है ना, लेकिन वहां पर डेजिग्नेशन आपकी वो नहीं दी जाती है फ्रेमवर्क वाली, है ना, आपको मेन टेक्नोलॉजी की दी जाती है। तो इसलिए आपको नोड जेएस की डेजिग्नेशन मिलती है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस जेएस की, है ना। और वहीं अगर अपन बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियल लेवल पे स्क्रैच लेवल पे नोड जेएस में क्या क्या चीजें थी जिसको ओवरकम करते हुए हम फ्रेमवर्क लेकर आए हैं, और नोड जेएस से एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमने उसमें कितने ज्यादा फर्निशिंग करी है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या लिमिटेशन था, मैनुअल राउटिंग चेकिंग, है ना। सेकंड क्या था, मैनुअल मेथड चेकिंग। फिर नेक्स्ट क्या था, स्टैटिक फाइल वाला कंसेप्ट था, लिमिटेशन थी। रेंडरिंग सपोर्ट नहीं था, कोड कॉम्प्लेक्सिटी थी, है ना, और उसके बाद में टेम्पलेट इंजिन नहीं था आपके पास में, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, है ना, हेडर में आपको भेजना पड़ता था और रिस्पॉन्स में आपको डेटा देना पड़ता था। फटाफट एक बार इसे रीड आउट कर लो। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में, एक नोट दे के रखा हुआ है, वी कैन रिप्रेजेंट बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड कोड ऑन द टेम्पलेट इंजन, है ना। टेम्पलेट इंजन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों का कोड आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। मिडलवेयर इज द बैकबोन ऑफ एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ नोड जेएस इज सॉल्व बाय मिडलवेयर। अब ये मिडलवेयर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा या एक्सप्रेस में पूरा आपके साथ में रहेगा, है ना। मतलब जो अगर अपन बात करें एक राउटिंग होता है, तो राउटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मिडिलवेयर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूरे एक्सप्रेस जेएस के अंदर देखने को मिलेगा। होता क्या है ये अपन पढ़ेंगे आगे जाके। अब अगर अपन फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ एक्सप्रेस जेएस, तो अपन क्या बोलेंगे इसमें, तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्रेस क्विकन्स द डेवलपमेंट पेस ऑफ अ वेब एप्लीकेशन, है ना। एक्सप्रेस जेएस क्या करेगा, क्विकन्स बोले तो फास्ट करेगा क्या डेवलपमेंट पेस, है ना, डेवलपमेंट की पेस बोले तो स्पीड, है ना, किसकी, आपके वेब एप्लीकेशन की। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा तो उस केस में डेफिनेटली कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप जल्दी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन ऑफ सिंगल पेज, मल्टी पेज एंड हाइब्रिड टाइप्स, ठीक है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन
ऑफ सिंगल पेज, मल्टी पेज एंड हाइब्रिड टाइप्स भी अपन इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. एक्सप्रेस कैन वर्क विद वेरियस टेम्पलेटिंग इंजन सच एज पग, मुस्टैच एंड ईजेएस. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ईजेएस, है ना, देन डॉट ईजेएस एक्सटेंशन पेजेस आर कंसिडर्ड एज अ टेम्पलेट पेजेस एंड दे लोड इजिली, वेयर एज एचटीएमएल पेजेस और जावास्क्रिप्ट पेजेस नॉट लोड, है ना. मतलब आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है. अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या देखे रखा हुआ है, आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि इफ वी टॉक अबाउट ईजेएस देन डॉट ईजेएस एक्सटेंशन पेजेस आर कंसिडर्ड एज अ टेम्पलेट पेजेस. जो डॉट ईजेएस के जो एक्सटेंशन पेजेस है वो क्या कंसिडर होंगे, आपके टेम्पलेट पेजेस कंसिडर होंगे और ये इजिली लोड हो जाते हैं, वेयर एज एचटीएमएल पेजेस और जावास्क्रिप्ट पेजेस नॉट लोड, ठीक है. मतलब आप सिंपल टर्म्स में ऐसा बोलेंगे कि जो टेम्पलेट इंजन का कंसेप्ट है, जो कि आप एक्सप्रेस में यूज कर रहे हो, तो वो एक्सप्रेस आपके HTML के कंसेप्ट को, HTML के पेज को अपने टेम्पलेट इंजन में कन्वर्ट करेगा, मतलब EJS में रहेगा और उसके एक्सटेंशन से आप चीजों को चलाएंगे. मतलब EJS में होगा कुछ नहीं, सिंपली आपका HTML ही होगा. EJS के अंदर आपका HTML ही होता है, एक्सटेंशन डॉट EJS लग जाता है, क्लियर है. क्योंकि उसके पीछे उसको सपोर्ट करने वाला कौन है, एक्सप्रेस बोले तो सर्वर साइड, ठीक है. और टेम्पलेट इंजन है तो ब्राउजर भी सपोर्ट करेगा उसको रन करने के लिए, ठीक है. और ब्राउजर आपका जो है वो समझता क्या है, आपका HTML, ठीक है. फिर अगर अपन बात करें prerequisite for pug is pug script, then only we can use, है ना. और EJS में आता है प्योर HTML कोड. मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि अगर आपको pug का यूज करना है तो आपको pug script आना चाहिए और तभी आप उसको यूज कर सकते हैं, और EJS के केस में आपको HTML आना चाहिए, राइट. फिर वही अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, एक्सप्रेस फॉलोज दी MVC, है ना. या इसके पहले एक और पॉइंट ये देके रखा था, ये ब्रैकेट में लिखा था, ब्राउजर स्क्रीन पर दिखेगा HTML टाइप पेज ही, है ना, जो इंटरनली कन्वर्ट हुआ, है ना, जो इंटरनली आपका कन्वर्ट होगा. EJS के अंदर जो आपका HTML है तो वो आपके ब्राउजर पे दिखेगा, राइट. फिर अगर अपन बात करें एक्सप्रेस फॉलोज द मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना, आर्किटेक्चर. अब एक्सप्रेस क्या फॉलो करता है, आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर. अब यहाँ पर क्या आता है, मॉडल मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी डेटाबेस लेयर, है ना. मतलब डेटाबेस लेयर मतलब आपका डेटा, है ना, जो आपकी एप्लीकेशन का रहेगा. व्यू मतलब क्या होगा, आपका फ्रंट एंड पार्ट, है ना. और कंट्रोलर बोले तो क्या होगा, तो कंट्रोलर मतलब कनेक्टर इन बिटवीन यूअर मॉडल एंड यूअर व्यू, है ना, मॉडल और व्यू के बीच. क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. बिजनेस लॉजिक इज द पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन. अब देखो क्या देख रखा है, बिजनेस लॉजिक इज द पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन दैट हैंडल्स द बिजनेस रूल्स एंड ऑपरेशंस. इट शुड नॉट बी कंटेन्ड इन अ कंट्रोलर्स एज कंट्रोलर्स आर मीन टू बी अ स्किनी एज पॉसिबल एंड ओनली हैंडल्स द प्रेजेंटेशन लॉजिक. राउट्स एंड व्यूज ऑलरेडी बैंड बने बनाए मिल जाते हैं, वी नीड टू क्रिएट मॉडल, है ना. मतलब राउट्स और जो व्यूज रहेंगे आपके, है ना, वो ऑलरेडी मिल जाते हैं, आपको सिर्फ क्या बनाना रहेंगे, आपको सिर्फ मॉडल बनाना रहेंगे. मतलब इन शॉर्ट सिंपली अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि मॉडल व्यू कंट्रोलर की अगर अपन बात करें तो उसमें बेसिकली होता क्या है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि जैसे व्यू मतलब आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है, राइट, जिसके अंदर आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पर EJS का यूज करेंगे. कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर क्या करेगा यहाँ पर, तो कंट्रोलर के केस में आप ऐसा बोलेंगे, नाम से समझ में आ रहा है, कंट्रोल करेगा. क्या कंट्रोल करेगा, तो जो फ्रंट एंड से मतलब व्यू पार्ट से आपके पास में रिक्वेस्ट आएगी, है ना, तो कंट्रोलर ये देखेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है उसके रिस्पेक्ट में उनको क्या रिस्पांस करना है. अब क्या रिस्पांस करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर रिक्वेस्ट आई है मुझे स्टूडेंट की लिस्ट देखना है, तो अब कंट्रोलर का ये वर्क होगा कि उसको स्टूडेंट की लिस्ट दिखाना है. अब ये कंट्रोलर ने आपके व्यू से तो इंटरेक्ट किया, लेकिन अब स्टूडेंट की लिस्ट वो दिखाएगा कैसे, तो उसको यहाँ पे फिर मॉडल से कनेक्ट होना पड़ेगा. और जो मॉडल से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो वो मॉडल की केस में आप क्या बोलेंगे कि वो आपका डेटा पार्ट होता है ना, जो कि जिसमें आपका क्या जाता है, जिसमें आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी वाली सारी चीजें होती है ना, जहाँ पर आप डेटाबेस से डील करते हैं, है ना, कि वो डील करेगा डेटाबेस से और बाकी की फंक्शनलिटी आपकी परफॉर्म यहाँ पर होगी. क्लियर है क्या, जिसके अंदर आपके पास में क्या लिखे हुए होते हैं, आपके बिजनेस लॉजिक्स लिखे हुए होते हैं. ठीक है, मॉडल मतलब आप क्या बोलेंगे कि जहाँ पर आपके पास में बिजनेस लॉजिक्स वगैरह आपके लिखे हुए रहेंगे. व्यू मतलब फ्रंट एंड और कंट्रोलर मतलब क्या करेगा, यहाँ पर ये डील करवाने का काम करेगा. इसमें जो लॉजिक्स होंगे वो जनरली आपके प्रेजेंटेशन लेयर से कनेक्टेड रहते हैं. क्लियर है क्या यहाँ तक,
फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा बाकी एमवीसी के बारे में अपन और पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे चीजें थोड़ी सी मैं और क्लैरिफाई करते जाऊंगा। इट मेक्स द इंटीग्रेशन प्रोसेस विद डेटाबेस सच एज मोंगोडीबी, रेडिस, माइएसक्यूएल एफर्टलेस, है ना, इजीली यहां पर आपकी चीजें कनेक्ट हो जाती है ना आपकी डेटाबेस से। एक्सप्रेस ऑल्सो डिफाइंस एन एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, जैसे मैंने आपको बोला कि मिडलवेयर के केस में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे एक्सप्रेस ऑल्सो डिफाइंस एन एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बिल्ट इन यू आर एल राउटिंग एंड मैथड चेकिंग, है ना, बिल्ट इन इसके पास में क्या होते हैं, यू आर एल को राउट करने की चीजें होती है और मैथड चेकिंग के भी कंसेप्ट इसमें होते हैं। सपोर्ट्स फॉर मिडलवेयर, मिडलवेयर आर इंटरमीडिएटर्स, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल, राउटर लेवल, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, बिल्ट इन मिडलवेयर, थर्ड पार्टी मिडलवेयर, ये सारे इंपॉर्टेंट मिडलवेयर आपको यहाँ पर देकर रखे हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके एक्सप्रेस के अंदर यूज होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला कि व्हाट डू यू मीन बाय मिडलवेयर इन एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। और उसके बाद में है डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ एक्सप्रेस 3000 कैन बी चेंज, है ना, ये डिफॉल्ट पोर्ट होता है, अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो देकर रखा हुआ है आपको, ये एक्सप्रेस जेएस का इंट्रोडक्शन देकर रखा हुआ था, ठीक है। आज के सेशन में अपन ने सिर्फ एक्सप्रेस जेएस का इंट्रोडक्शन ही कवर अप किया है, नेक्स्ट सेशन में फिर अपन देखेंगे थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल के और बढ़ेंगे, है ना, और इनिशियली प्रोग्राम्स कैसे क्या लिखते हैं एक्सप्रेस में वो अपन डिस्कस करेंगे, कुछ डायग्राम्स रहेंगे, डायग्राम्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राउट्स के बारे में बताऊंगा और फिर उसके एग्जांपल्स अपन ट्रेन करेंगे, राइट। इसके लिए मैंडेटरी ये है कि आपको नोट जेएस अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में आप जो एग्जाम्पल्स आपकी जो प्रोग्रामिंग यहाँ पे जो स्टार्ट होगी, है ना, उसमें बेस आपके नोट जेएस का ही रहेगा, बस ये है कि अब आपको नए नए कंसेप्ट्स पढ़ना है ना। डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है कि नोड पूरा अलग है, कि अगर आपको नोड नहीं आता है तो ठीक है आप एक्सप्रेस से फिर से शुरुआत करेंगे तो वह सबको समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। अगर आपको नोड आता होगा तो ही आपको एक्सप्रेस इजीली समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि फिर आप एक्सप्रेस से अगर शुरुआत करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह ही जाएगी आपकी कोडिंग में। जैसे आपने देखा होगा इनिशियली आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी, लेकिन जब आप नोड जेएस में आए तो नोड जेएस में भी फ्लेवर तो आपके जावा स्क्रिप्ट का ही था, बस कंसेप्ट चेंज होने की वजह से वो दिखने थोड़ा सा अलग लगा। यहाँ पर भी फ्लेवर तो आपका नोड जेएस का ही रहेगा, बस नए नए कंसेप्ट आपके एक्सप्रेस में ऐसे आ जाएंगे कि वो एक्सप्रेस के कंसिडर होते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इसके आगे का फिर कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर इसके एग्जांपल्स भी फ्रेम करके देखेंगे और बाकी की चीज़ें इम्प्लीमेंट